हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। हम लोगों ने एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया था इंटीजर्स का, अब हम लोग ट्राई टू को कंप्लीट करेंगे, फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन है? 333, वो भी प्लस का। ठीक है, उसके बाद आप कौन है? उसके बाद 33। ठीक है, अब उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आएगा ये -033। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो का आगे तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो -33 तो सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? -303। फिर क्या आएगा? -330। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ए नंबर बताऊंगा, बाकी सब आप खुद बनाइएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द बॉक्स बाई यूजिंग, इन तीनों को यूज करके हम लोग को बॉक्स को फिल करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ए नंबर बताऊंगा, बाकी सब आप खुद बनाइएगा। तो ए में क्या है? प्लस ए माइनस फिर प्लस टू, और इधर है प्लस एट प्लस माइनस टू। तो एट में माइनस टू कर देंगे तो इधर का सिक्स, अब इधर है एट प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस माइनस होगा, एट माइनस टू सिक्स, यानी कि क्या ये इक्वल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट ट्रू फॉल्स, मैं आपको सिर्फ ए नंबर बताऊंगा, बाकी सवाल खुद बनाइएगा। ट्रू फॉल्स भरना है इसमें, कौन सा सही है कौन सा गलत। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 3 में से 11 माइनस, यानी कि क्या है? फॉल्स है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है, ए नंबर देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 9 ऑफ 9। तो पहले ऑफ का काम करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 81। ठीक है, अब डिवाइड का काम करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 से 9 डिवाइड होगा 1 माइनस 81। 9 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा? 81 प्लस 1 माइनस 80, सॉरी माइनस 81। तो 81 कट गया, यानी क्या बचा? 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलता है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन हैज रुपीज 9,099 इन हिज अकाउंट, ही विड्रॉ 3,300 पर मंथ फॉर 2 मंथ, यानी कि 2 मंथ, 1 मंथ में वो कितना निकाला? 3,300, तो 2 मंथ में 6,600। एंड विड्रॉ 1,500 इन 3rd मंथ, व्हाट विल बी बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3rd मंथ, यानी कि वो 3rd मंथ में 1,500 और निकालता है, तो उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? तो पहले 2 मंथ में कितना निकाला? विड्रॉ 2×3,300 रुपये 6,600, और 3rd मंथ में रुपये 1,500, जोड़ देंगे इसको आ जाएगा 8,100। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि 3 मंथ के और बैलेंस कितना होता है, तो बैलेंस इज इक्वल टू 9,099 माइनस 8,100। माइनस करेंगे 9,9 और फिर 9, यानी कि रुपीज 999। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाइल प्लेइंग अ गेम, सुधीर लॉस्ट 270 पॉइंट्स इन फर्स्ट गेम, 310 पॉइंट इन सेकंड गेम एंड 190 पॉइंट इन थर्ड गेम। ऑल्सो ही गेट 150 पॉइंट इन फोर्थ गेम, 380 पॉइंट इन फिफ्थ गेम। इफ ही हैज 250 पॉइंट एट स्टार्ट द गेम, हाउ मेनी पॉइंट डज ही हैव नाउ। मतलब कि सुधीर जब गेम खेलता है तो वो 3 इनिंग तक तो हार जाता है, पॉइंट लॉस कर देता है। ठीक है, और जब वो 4th इनिंग में आता है तो गेम करने लगता है, और जब गेम स्टार्ट होता है तो उसके पास 250 पॉइंट रहता है। तो अब उसके पास कितने पॉइंट है? तो पूरा लॉस्ट कितना किया उसने? लॉस्ट पॉइंट 270 प्लस 310 प्लस 190। ठीक है, इसको जोड़ देते हम लोग तो आएगा 770 पॉइंट्स। ठीक है, अब उसने कितना गेन किया? वो है 380 और 150, जोड़ेंगे इसको भी 530 पॉइंट्स। तो कितना उसे मिला? 770 माइनस 530, माइनस कर देंगे तो आएगा 042, यानी कि लिखेंगे
ही हैव पॉइंट्स, कितना है 240, और उससे गेम स्टार्ट किया तब कितना था 250, यानी कि अब कितना है, ही हैव पॉइंट्स इज इक्वल टू 250 माइनस 240, यानी क्योंकि वो पहले जब गेम स्टार्ट किया था तो उसके पास था 250 पॉइंट और अब हो गया 240 पॉइंट, तो उसके पास था कितना पॉइंट, अब बचा कितना पॉइंट उसका 10, यानी कि उसके पास कितना पॉइंट था 10 पॉइंट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन ट्रैवल 120 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ कानपुर देन 157 किलोमीटर टू साउथ ऑफ कानपुर आफ्टर विच ही अगेन मूव 84 किलोमीटर नॉर्थ फाइनली ही मूव 91 किलोमीटर साउथ हाउ फार इज द ट्रेन फ्रॉम कानपुर इज इट टू नॉर्थ ऑफ कानपुर और साउथ ऑफ कानपुर, यानी कि एक ट्रेन है वो नॉर्थ में जाता है कानपुर के 120 किलोमीटर और फिर जाता है वो साउथ कानपुर के साउथ में 157 किलोमीटर और उसके बाद फिर वो जाता है नॉर्थ में 84 किलोमीटर फिर वो जाता है फाइनली लास्ट टाइम 91 किलोमीटर वो भी साउथ डायरेक्शन में कानपुर के, तो वो ट्रेन कानपुर से कितना दूर है और वो कौन से डायरेक्शन में, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है कानपुर के कि साउथ डायरेक्शन में, यही पूछ रहे हैं। तो कितनी बार नॉर्थ गया वो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया 120 किलोमीटर और फिर गया 84 किलोमीटर, तो नॉर्थ में पूरा कितना गया 120 प्लस 84 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, अब वो साउथ में कितना बार गया, दो बार गया साउथ में, एक बार 157 किलोमीटर एक बार 91 किलोमीटर, तो पूरा कितना गया 157 प्लस 91 जोड़ेंगे साथ एक 8 248 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना फार है वो कानपुर से, फार फ्रॉम कानपुर 248 माइनस 204 यानी कि 44 किलोमीटर। अब देखिए वो आखिरी बार कौन से डायरेक्शन में जाता है, फाइनली ही मूव 91 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाता है, तो वो ट्रेन कौन से डायरेक्शन में होगी, साउथ डायरेक्शन में, यानी कि साउथ ऑफ कानपुर। ओके अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है, अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।